रहीम, मेरा नाम असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। 5x की 3 माइनस 7x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x प्लस 7x की 4। फाइंड करें, क्या फाइंड करना? डी वाई ओवर डी एक्स। क्या फाइंड करना? डी वाई ओवर डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है? एक्स के रिस्पेक्ट। पहला स्टेप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। 5x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8। और नीचे डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर माइनस 1। नीचे डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 4 हो जाएगी। अब कौन सा रूल लगाएंगे? सम रूल। सम रूल में हर टर्म का अलग-अलग से डेरिवेटिव लेना है। 5 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव एक्स की 3 का। माइनस 7 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव। फिर 9 का डेरिवेटिव। माइनस 8 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव एक्स की पावर माइनस 1 का। 7 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव एक्स की पावर माइनस 4 का। 5 तो कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम। जब बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाए। 9 क्या? कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 8 आ गया। कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। पावर पहले, पावर में से कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। 5 मल्टीप्लाई 3 15 एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस 7 दुनी 14 एक्स आ गया। माइनस माइनस प्लस 8, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 तो आ जाएगा 28 एक्स। और ये माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 5 आ गया। 15 एक्स स्क्वायर 14 एक्स 8। और नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की। नीचे आगे पावर पॉजिटिव की हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स की 3, 3 एक्स की 3। बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं यहाँ पर? मल्टीप्लाई। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब ज़रब। देखो दो वैल्यू क्या है? ज़रब हो रही हैं। कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या फाइंड करना है इसका? डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट लेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट। डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी की 3 प्लस 3 एक्स की 3। दो फंक्शन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे, पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे
पहले का डेरिवेटिव, पहला क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, ये थ्री इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो वन ही आ जाएगा, प्लस बी की थ्री प्लस थ्री एक्स की थ्री, ए क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, पावर रूल, पावर पहले पावर में से कम, बेस का लेंगे तो बच्चों वन ही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थ्री मल्टीप्लाई थ्री नाइन एक्स स्क्वायर आ गया, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस बी की थ्री प्लस थ्री एक्स की थ्री, कितना आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, नाइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन एक्स की फोर आ जाएगा प्लस, और टू एक्स को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स बी की थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स एक्स की फोर आ गया, सिक्स एक्स की फोर, नाइन एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, नाइन एक्स की फोर सिक्स एक्स की फोर कितना आ जाएगा फिफ्टीन एक्स की फोर प्लस टू बी की थ्री एक्स, ये बच्चों क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये तो क्वेश्चन नंबर है नाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स, फाइंड करना बच्चों क्या फाइंड करना, डी वाई ओवर डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना, एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, देखो ना इसकी सारे की पावर कितनी कर लेंगे वन, और नीचे डेरिवेटिव नहीं लगाया जा सकता, ये पावर वन है, ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, ऊपर जाके बच्चों किसकी पावर हो जाएगी माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ऊपर जाके पावर है माइनस की पावर। अब बच्चों कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पावर रूल, क्योंकि फंक्शन के ऊपर क्या आ गई पावर, कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर बेस का दोबारा डेरिव, बेस के हमारे पास ये वैल्यू बेस है, बेस क्या हमारे पास एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ये माइनस वन आ गया, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का टू आ गया। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, बच्चों ये पहला फंक्शन ये वाला दूसरा फंक्शन, और नीचे आके देखो माइनस की टू है पावर, नीचे आगे पावर है वन, ऊपर चला जाएगा ये माइनस का वन, नीचे आगे पावर है पॉजिटिव की, नीचे आगे पावर बच्चों क्या हो जाएगी पॉजिटिव की हो जाएगी, पॉजिटिव की टू, ये इसी तरह एक्स माइनस थ्री आ गया, और एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव टू का ज़ीरो प्लस एक्स प्लस टू आ गया, एक्स का डेरिवेटिव वन थ्री का डेरिवेटिव ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है ज़ीरो, माइनस वन ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू सारे की ऊपर होल का स्क्वायर, क्या वैल्यू बची हमारे पास एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ गया, माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू ऊपर होल का स्क्वायर, एक एक्स और एक एक्स कितना आ जाएगा टू एक्स, माइनस का थ्री प्लस का टू माइनस का वन आ जाएगा। बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर नाइन, ये था क्वेश्चन नंबर नाइन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, बच्चों ये क्वेश्चन नंबर टेन था, ये क्वेश्चन नंबर
10 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। फाइंड करें dy ओवर dx। अब देखो दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं वहां पर कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का बच्चों स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, एक्स के। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव, पहला हमारे पास एक्स है, ऊपर वाला पहला फंक्शन नीचे वाला दूसरा फंक्शन, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट ले लेंगे 1 आ जाएगा ये एक्स। इसी तरह अब यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर पहले पावर में से कम, बेस का लेंगे 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है बच्चों 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 2x आ गया, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। ये इसका ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2x स्क्वायर है, और 1 निकाल देंगे क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 1। इसी तरह देखो ना, इसका डिसर 1 है, इसका माइनस 2 है, 1 प्लस का माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होल का स्क्वायर। ये था हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 माइनस। फाइंड करें, क्या फाइंड करना, dy ओवर dx। पहला स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, कौन सा रूल लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर, ओवर दूसरे का स्क्वायर। दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर बच्चों दूसरे का स्क्वायर। दूसरा क्या, 1 मनफी एक्स ऊपर होल का स्क्वायर आ जाएगा, 1 मनफी एक्स आ गया, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे 1 आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, ओवर 1 मनफी एक्स ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ऊपर होल का स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स ऊपर होल का स्क्वायर। ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसल, कितना आ गया, 1 प्लस 1 2 ओवर 1 मनफी एक्स ऊपर होल का स्क्वायर। ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13,
y is equal to x square plus 1 over x minus 1. Find derivative at x is equal to 2. X equal to, और डेरिवेटिव फाइंड करके x की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2. सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर जहां पर x होगा वहां पर 2 पुट कर देंगे. डेरिवेटिव मालूम करके फिर x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2. किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है? x के. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy ओवर dx, d ओवर dx, x स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 1. बच्चों कौन सा रूल लगाएंगे? क्वेश्चन रूल. दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का स्क्वायर ओवर दूसरे का स्क्वायर आ गया x माइनस 1. कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल. पावर पहले पावर में से कम, बेस का लेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा. और 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? 0. ये वैल्यू इसी तरह x का 1, 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 के बराबर x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर. x माइनस 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 1, माइनस का 1 ओवर x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर. ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ऊपर होल का स्क्वायर. ये था हमारा dy ओवर dx. डेरिवेटिव लेके x की जगह पर क्या पुट करना है? 2. अब ये क्या पुट कर देंगे? 2. बच्चों क्या करेंगे? लाइन लगा देंगे x की जगह पर. क्या पुट करना है डेरिवेटिव के अंदर? x की जगह पर 2. अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बच्चों क्या पुट करेंगे? 2. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 2. जहाँ जहाँ पर x है बच्चों वहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? 2. अब ये 2, 2 दुनी 4, 4 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 2 दुनी 4, 2 दुनी 4 माइनस 1 ओवर 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1. और प्लस का 8 माइनस का 4 माइनस का 4, माइनस का 8 प्लस का 8 के साथ कैंसिल, बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस 1 ओवर 1, 1 1 के साथ कैंसिल. क्या आंसर आ गया? माइनस का 1. ये था हमारा फाइनल आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 13. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. y इज इक्वल टू u की पावर n. y इज इक्वल टू u की पावर n, 3x की 3. u इज इक्वल टू 3x की 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1. फाइंड करें dy ओवर dx. बच्चों क्या फाइंड करना है? dy ओवर dx फाइंड करना है. क्या फाइंड करना dy? अब देखो किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है? x के. y का डेरिवेटिव फाइंड करें x के रिस्पेक्ट, लेकिन y तो इस फंक्शन के अंदर है, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? u के. हम क्या करेंगे? पहले इसके इस फंक्शन के अंदर u की वैल्यू पुट कर देंगे. अब इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे? u. u की वैल्यू ये है हमारे पास 3x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऊपर क्या आ जाएगी? पावर n. पहले u की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर पहले u की वैल्यू, ये वाली u की वैल्यू पुट कर देंगे. अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx, 3x की 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सारे की पावर n. बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल. फंक्शन के ऊपर क्या आ गई? पावर आ गई. पावर पहले पावर में से एक कम हो गया, पावर में से एक
कम एन माइनस वन होगा, फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव, फिर बेस का दोबारा डेरी, बेस क्या, ये सारी क्या है, बेस है हमारी प्लस एक्स प्लस वन, एन आ गया थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एन माइनस वन। अब ये थ्री इसी तरह इसके ऊपर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का लेंगे वन आ जाएगा, इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, बेस का लेंगे वन, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे वन आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, बच्चों वन का डेरिवेटिव है ज़ीरो, एन इंटू थ्री एक्स की थ्री माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एन माइनस वन। थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री के साथ नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सात दुनी चौदह एक्स प्लस वन। ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र, y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र का अंडर रूट, शो डैट y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, y के बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, x के बराबर है। शो डैट, शो डैट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट बनानी है, लेकिन लेफ्ट को हल करने के लिए पहले क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स। पहले बच्चों क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर, जजर की कीमत क्या, वन बाय टू, जजर की वैल्यू वन बाय टू। कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम हो गया, बच्चों पावर पहले पावर में से एक कम, फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव, फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव, ये वन बाय टू आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो माइनस का वन बाय टू, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक कम, वन बाय टू आ गया, और नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, नीचे आगे बच्चों पावर पॉजिटिव की, नीचे आगे बच्चों पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, देखो ना माइनस का वन बाय टू है, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, ऊपर जजर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एक्स, और ये टू टू के साथ कैंसल, क्या आ गया एक्स ओवर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये था हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट बनानी है, लेकिन लेफ्ट को हल करने के लिए क्या चाहिए था, डेरिवेटिव, वो हमने फाइंड कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, बच्चों कौन सी साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाई डी वाई ओवर डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई क्या हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, डेरीवेटिव की वैल्यू, डेरीवेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एक्स, हमें क्या चाहिए था एक्स ही, बराबर आ गई राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।